फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको कान्हा जी की छठी स्पेशल ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने ये एक बुकरम का पीस लिया हुआ है। अब मैं आपको ये पीस जो है कट करके दिखाऊंगी कि हमें किस डिज़ाइन में इसको कट करना है। ये देखिए, हम जो है इसको इस तरह से कट करेंगे। ये जो हमारा थोड़ा छोटा निशान लग गया है, हम इससे थोड़ा बाहर की साइड ही कट करेंगे। ये देखिए, ये पीस हमारा जो है कट हो गया है। अब हम इसी तरह से एक कपड़े की कटिंग करेंगे। ये देखिए, मैंने जो है ये येलो कलर का कपड़ा लिया है। कान्हा जी की छठी पर जो है येलो कलर की ड्रेस ही पहनाई जाती है, तो इसलिए मैं आपको येलो कलर का ये ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। देखिए, इसको हम जो है इस तरह रखकर इस कपड़े की भी इस तरह से ही कटिंग कर लेंगे। ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो तो कोई बात नहीं है, बाद में कट जाएगा। ये देखिए, हमारे इस कपड़े की भी कटिंग हो गई है। अब हम जो है ग्लू गन की सहायता से इसको इस पर अच्छी तरह से चिपकाएंगे। ये देखिए, ये ड्रेस बनाने के लिए आपको सिलाई मशीन की या सुई धागे की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम इसको सिर्फ ग्लू गन की सहायता से ही रेडी करेंगे। ये देखिए, इस तरह से अब हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करेंगे। ये देखिए, हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट हो गया है। अब हम जो है एक कट इसमें यहाँ पर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम ये कट इस पर लगाएंगे। और फिर हम इसको
ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके एक कट यहाँ पर लगाएंगे। इसको भी हम ग्लूगन की सहायता से यहाँ से अच्छी तरह से चिपका देंगे। ये देखिए ये हमारी ड्रेस जो है यहाँ तक बन गई है। अब मैं आपको इसका आगे बताऊंगी कि हमें आगे किस तरह से रेडी करनी है। ये देखिए अब हम ये लेस जो है इस पर लगाएंगे। ये देखिए वो किस तरह से लगाएंगे। ये देखिए यहाँ तक हमारी लैस जो है ये लग गई है। अब हम इस लैस को जो है ये देखिए इस तरह से यहाँ पर इस तरह पूरी पर लगाएंगे। ये देखिए हमारे कान्हा जी की ये ड्रेस जो है अभी से ही कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए हमारी लैस जो है ड्रेस पर पूरी अच्छी तरह से लग गई है। अब मैं आपको इसकी चोली बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए इसकी चोली बनाने के लिए जो है हम इस लैस को बीच से कट करेंगे।
देखिए हमारी ये लैस कट हो गई है। अब हम इसको ग्लूगन की सहायता से देखिए यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए हम ये दूसरा पीस भी इसी तरह से लगाएंगे। ये देखिए हमारे ये दोनों जो है इस पर अच्छी तरह से अटैच हो गए हैं। अब ये देखिए हमारे पास ये है तो हम इस पर और सुंदर बनाने के लिए ये लगाएंगे। ये देखिए हम ये इस किस तरह से लगाएंगे। ये देखिए इसी तरह से जो है हम अपनी पूरी ड्रेस पर ये इसी तरह से स्टोन लगाते जाएंगे। ये देखिए हमारी ये ड्रेस जो है कितनी सुंदर लग रही है।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कान्हा जी की जो है ये ड्रेस जो है कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप जो है ड्रेस को किसी भी साइड से कान्हा जी को पहना सकते हैं, या तो आप इस साइड से पहना सकते हैं या फिर इस साइड से पहना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस ड्रेस के मैचिंग की पगड़ी बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए मैंने जो है ये येलो कलर का कपड़ा कट किया हुआ है। ये देखिए मैं इसको इस तरह से चिपका देंगे। ये देखिए अब जो है इस पर हम ये लगाएंगे। ये देखिए हमने जो है यहाँ तक इस पर लगा लिए हैं। हमारे जो है छोटे हैं कान्हा जी, तो हम छोटे साइज की ये पगड़ी बनाएंगे। ये देखिए हम जो है अब ये इस लेस से यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए इसको हम यहाँ पर हल्का सा इस तरह चिपकाएंगे और इसके हम यहाँ से कटिंग करके फिर इसको यहाँ से चिपकाएंगे और इस पगड़ी पर यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से लग गया है। ये देखिए हमारे पास ये है मोर पंख है, जिसको हम यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके ऊपर भी एक ये लगाएंगे। ये देखिए हमारा इस पर लग गया है। अब हम जो है इसको यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए हमारा मोर पंख जो है इस पर लग गया है। अब हम जो है अपने कान्हा जी के साइज के हिसाब से इसको यहाँ से कट करेंगे। और इसको यहाँ अच्छी तरह से चिपका देंगे। ये देखिए हमारा ये इस पर चिपक गया है। और ये देखिए हमारे कान्हा जी की जो है वो पगड़ी बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कान्हा जी की ड्रेस और जो है पगड़ी, ये कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ओके बाय फ्रेंड्स।